अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल्ला नुशाद और मैं आपके पास फिर से हूँ। आगे हूँ अपना एक घर लेके हाजिर हूँ। देखिए आप मेरी वीडियो देखें, उससे पहले अस्सलाम वालेकुम मैं आपने दो बार कर चुका हूँ। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए और बेल को भी दबा दीजिए। और अब हम आपको अपना घर दिखाते हैं, चलिए। ये देखिए, अब पहले आपको डाइनिंग रूम दिखा दें। ये है डाइनिंग रूम, आपको डाइनिंग रूम देखें, ये घूमता है। आपने डाइनिंग रूम देखिए, देखें खिड़कियाँ और देखें स्लाइड है, कैसी लगी देखें। ये घूमता है और ऊपर ये देखिए, यहाँ पे सोफे है क्योंकि शावर है नहाने की जगह। और ये समुंदर है, तो आप लोगों देख लिया कितना अच्छा है ये घर। लेकिन अभी मैं इसी पे एक वीडियो ख़त्म नहीं करता, एंड नहीं होता इसे इस बटन पे। ये देखिए, आपको समझना, आप सोच रहे होंगे कि इस बटन को कुछ दबाए और कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन अब आप देखिएगा ज़रा ध्यान से। उस बटन को दबा रहा हूँ, देखिए हिल रहा है ना। इस बटन को ऐसे कर यूज़ करते हैं और ये देखें, ये है वो बालकनी। हाँ ये तो बहुत अच्छी है। हमारे पास इसके बंदे भी हैं लेकिन हम वो हम ब्लॉक्स में रखें, बस दो ही हैं। लेकिन मैं नाम जब ये आया था तो इसके साथ बहुत सारे बंदे थे ना, और मेरे पास बस दो ही हैं अब मेरे ब्लॉक्स के अंदर है, मैं इसे फिर से लाना नहीं चाहता। और एक और चीज़, ये कुंडी हमें नीचे पहुँचाते हैं। इस बालकनी से मैं अपनी उंगली को छेदूं। ये ओ यहाँ से कोई ये ऐसी है, तो कोई चूटी के घर जैसा है ना मम्मा, चूटी के घर जैसा है ना, बिल्कुल नहीं। उसका तो एक है और चूटी का घर ऐसा नहीं होता, उसका एक घर, उसका घर तो हमसे हमारे घर से अलग होता है। लेकिन हम इसमें, ये छोटा घर है इसलिए हम इसमें चोटी को बिठा सकते हैं, जैसे खिलौनों को भी तो बिठा सकते हैं। वो चल भी सकती है, वो बाहर ना जाए, वो कूद गई तो उसे चोट तो लगेगी, लेकिन वो यहाँ से भी भाग सकती है, हमने तो सोचा है। अरे हाँ यार, दीवारों को भी चढ़ सकती है, यहाँ से। अब हम एक चोटी को ढूंढ के आते हैं, अरे चोटी को ढूंढ के आते हैं अभी।